तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। 6 महीने जेल में रह के आया हूँ और जेल का जवाब वोट से देंगे। मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत बिश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत बिश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है। क्या हुआ, कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत बिश्व शर्मा को गले लगा रहे थे, वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। कहते केजरीवाल इस्तीफा दो, मणिपुर 1 साल से चल रहा है, वहाँ की बेटियों को निवस्त करके घुमाया गया, उस हिंसक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते। शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई, उन्होंने अपने भाई को लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. Inkalab! Hamare sabhi sukh-dukh ke saathi, sangharshon ke saathi, और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं यह आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है, तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं है। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येन जैन को तुमने जेल में भेज दिया, उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं, उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं, हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े इसलिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं उनके पास बस का किराया नहीं होता, एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है उसके पास बस का किराया नहीं होता, उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो, आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी
कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। क्या कह रहे हैं भाजपाई? भाजपाई कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, याद रखना, ये कह रहे हैं केजरीवाल 2 करोड़ जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल बस की यात्रा फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते। अरे एक छोटी सी सरकार, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है, इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा। याद है कि भूल गए आतिशी जी? याद है ना, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे। जहां पर मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा केजरीवाल के टक्कर का स्कूल हमको दिखाना है, तो उन्होंने कृत्रिम स्कूल तैयार किया, टेंट वाला स्कूल तैयार किया। हमने दिल्ली के अंदर टेंट वाले स्कूल की जगह एयर कंडीशन कमरों का स्कूल तैयार किया, और नरेंद्र मोदी ने 25 साल गुजरात में भाजपाइयों के शासन के बाद टेंट वाला स्कूल तैयार किया। इस्तीफा दे दो भाई, कल को भगवंत मान को गिरफ्तार कर लो, कह दोगे इस्तीफा दो। वो केरला के मुख्यमंत्री विजयन, उनकी बेटी पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे विजयन जी इस्तीफा दो। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे ममता बनर्जी जी इस्तीफा दे दो। तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्यमंत्री और आम आदमी बराबर है, तो जरा मुझे बताइए, सोमनाथ भारती कानून के जानकार हैं क्या? प्रधानमंत्री को कानून में छूट है? कानून में छूट है क्या? छूट है क्या? अरे कल को एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, 2 दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, 3 दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, 5 दरोगा वहां से आएगा, और 5 मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी, तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 10 दरोगा आ जाएंगे। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं? तो भाजपाइयों जवाब दो इसका, क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे, जवाब दो इसका। क्या वह शामिल होगा तमिलनाडु की जांच में? क्या वह जांच में शामिल होगा पंजाब के अंदर? होना पड़ेगा। दरोगा, डीएसपी, एसपी इन्हीं विपक्ष के राज्यों से, रेवंत रेड्डी के राज्य से, सिद्धारमैया के राज्य से पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर में, बोले अमित शाह है, उससे पूछताछ करनी है। कहेंगे हम तो गृह मंत्री है, बोलो गृह मंत्री तो सब समान है, इसलिए भाजपाइयों ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो, तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे, और दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे, 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया,
आतिशी जी कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा। मैंने तो डीपीआर भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। पढ़ लेना, पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते। बहस चल रही थी केजरीवाल सरकार कैसे लिखेंगे, कैसे चलाएंगे, चिट्ठी कैसे लिखेंगे। असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं अब, असीमित, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो कोर्ट से परमिशन, और अगर और सरकारी चिट्ठी को, एक मिनट सुन लो बात, और कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो जेल सुपरिंटेंडेंट उस चिट्ठी पे मोहर लगाकर उसको अटेस्ट कर देता है। पढ़ लेना, सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हो हम लोगों को, सारे कानून पढ़वा दे रहे हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इनका जवाब देने का वक्त आ गया है। बहुत बढ़िया। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा, देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, देखो ललकार रहा। ये तुम्हारे बंदर घुड़की से डरेगा, ये तुम्हारी बंदर घुड़की से डरने वाला है। भाजपाइयों की बंदर घुड़की से कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है। लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे, कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है, सौरभ भाई बहुत दया आती है। बेचारे आसाम में तैयार हुए वाटर घोटाला बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए। गोपाल राय जी क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत विश्व शर्मा को गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है। उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग। मिक्सिंग, फिर कहने लगे हसन मुश्रीफ चीनी घोटाला किया है 100 करोड़ का, फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों, इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी खा रहा था, आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया। वहां गए कहने लगे नारदा स्कैम किया। मुकुल राय सुबंधु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है,
जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। मैं भाजपाइयों के लिए मैंने बोला, गोपाल भाई भाजपाइयों के लिए नारा बनाया, स्पेशली जेल में खाली थे, कुछ तो काम करना था। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। और भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई बोलेंगे जिस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार के भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे भाजपाइयों, तुम बोलोगे भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी, याद रख लेना, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया था पंकज भाई? कौन पकड़ा गया था? बंगारू लक्ष्मण, बंगारू लक्ष्मण। वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने किस मामले में रिश्वत ले रहा था? रक्षा सौदे में। किसके रक्षा सौदे में? भारत माता के रक्षा सौदे में। इनके दफ्तर में फोटो लगा उसका। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी दुनिया में भारत माता की रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा, वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है? तुम अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाते हो? भाजपाई हो तुम लोग उठाते हो सवाल? अरे इतना ही नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सौरभ भाई ने, बंगारू लक्ष्मण को सिर्फ रिश्वत खाते दुनिया में नहीं देखा, बंगारू लक्ष्मण को रिश्वतखोरी के मामले में सजा हुई है, सजा सजा सजा। सजा याफ्ता पार्टी के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, याद रखना। इसलिए भाजपाइयों का अगला नाम क्या है? बीजेपी नहीं, बंगारू जनता पार्टी। क्या नाम है इनका? बंगारू जनता पार्टी, बंगारू जनता पार्टी। और हम लोग, हमारे साथी, आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कल जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था अपने ट्रीटमेंट के लिए ILBS, तो एम्बुलेंस में जो साथी हमारे साथ थे, दिल्ली पुलिस के जवान, उनसे मैं पता नहीं क्यों बातचीत में मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे, लेकिन इन 181 दिनों में, इन 182 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ एक चीज सोच के, जेल के कष्ट से नहीं, याद रखना। जेल तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं, जेल और ये लाठी, ये मुकदमे का डर, ये बंदर घुड़की किसी और को दिखाना, आम आदमी पार्टी वालों को। एक बात को लेकर परेशान हुआ, अरविंद केजरीवाल जी से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ।
मनीष सिसोदिया से पूछो, कहते हैं कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मुझसे बार बार पूछा, मैंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आतिशी जी से पूछा, इन्होंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहा शराब घोटाला नहीं हुआ। भाजपा ही कहते थे शराब घोटाला हुआ है, हुआ है, हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने इसलिए किया कहा कि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। संजय सिंह ने इसलिए कहा, हमारे नेताओं ने इसलिए कहा कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने शराब घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी सरसले के पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है? किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन। तो भाजपा ही पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा। भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया। उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है, किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? भाजपाइयों ने किया है। वक्त ज्यादा हो रहा है शायद ना, आप क्या? अभी कह रहे हैं बोलने के लिए सब लोग। आदिल भाई, आदिल भाई की पर्ची आ गई तो मैं थोड़ा डर गया था। साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं, और मैं इसको दिल से मानता हूं, इसलिए कह नहीं रहा हूं सिर्फ, कह नहीं रहा हूं सिर्फ। इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग, ये हमारे लिए परिवार है, परिवार। और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया, पहले अरविंद केजरीवाल जी के भाभी के पास गया मिलने के लिए। मनीष भाई के भी घर जाऊंगा और सत्येंद्र भाई के भी घर जाऊंगा, ये हमारा परिवार है। और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक कार्यकर्ता सीना तान के अपने नेता के साथ खड़ा रहेगा। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा, इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ, ये किसी के लिए अच्छे नहीं है। ये आंख में आंसू दे सकते हैं, केजरीवाल आपके चेहरे पे मुस्कान और खुशी दे सकते हैं। केजरीवाल आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। केजरीवाल आपको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, बस की फ्री यात्रा, आपके सुख दुख में आपके साथ भाई की तरह, बेटे के साथ तरह खड़े हो सकते हैं। ये आपके आंख में सिर्फ आंसू दे सकते हैं, याद रखें। और इसलिए हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि अगर हम लोग मानते हैं, अगर हमारे दिल में पार्टी के लिए जरा सा भी जज्बा है और हम इसको अपना परिवार मानते हैं, तो आज हमारे परिवार का मुखिया जेल में है अरविंद केजरीवाल, और हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब जेल का जवाब जेल का जवाब जेल का जवाब क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा ताकत है,
इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है, और यही आपकी सरकार इनकी आंखों की किरकिरी बनी है जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी कैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यही तो किरकिरी है। और कौन सी पार्टी है ये, कौन सी पार्टी है? बंगारू जनता, बंगारू जनता। और बंगारू जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश का गृह राज्य मंत्री किसको बनाया? टेनी को। किसको बनाया? अजय मिश्रा, टेनी को। पूरे देश ने देखा ना, पूरे देश ने देखा ना, उसके बेटे ने देश के चार अन्नदाता किसानों को कुचलते हुए उसका वीडियो पूरे देश ने देखा। वो कौन है? देश का गृह राज्य मंत्री। आपने देखा पहलवान बेटियों के न्याय की बात आई, प्रधानमंत्री खामोश, कहते केजरीवाल इस्तीफा दो, मणिपुर एक साल से जल रहा है, वहां की बेटियों को निवस्त करके, वहां की पत्नी, वहां के एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, उस हिंसक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते भाजपाई, जो एक राज्य को जला रहा है एक साल से, उसका इस्तीफा नहीं मांगते। जो आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है उसका इस्तीफा मांगते। इसलिए किसी भी गलत फहमी में मत रहना, और अगर ये इस्तीफा वाला चक्कर शुरू हो गया तो जान लो ये सारे विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब जेल में होंगे और सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। और इसलिए कल से जब भी कोई पत्रकार आपसे पूछे या कोई भी आपको भाजपाई सवाल करे तो उनसे कहना, भाई पीएम भी कानून में बराबर है, दो मुकदमा हम लिखवा रहे हैं, किसी राज्य में, चाहे वो हैदराबाद में, चाहे वो मोहाली में, चाहे रोपड़ में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में, जाके मोदी जी पूछताछ में शामिल हो। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं, शामिल हो, बराबरी का मामला हो, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैं आप सबसे यही तो बताया भैया कि शराब घोटाला ऊपर से लेके नीचे तक भाजपाई शराब घोटाले में डूबे हुए हैं, शराबोर हैं। हमारा मनी ट्रेल खोज रहे हो? मनी ट्रेल तो साफ साफ दिख रहा है भाजपाइयों का, वहां तेल में मनी पहुंच वहां तेल तक बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, पंकज जी हैं हमारी पार्टी के अंदर, कोई आदमी चंदा देता है, अगर कोई आदमी चंदा देता है उसके बारे में पता होता है, हाँ भाई ये चंदा दिया, 55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया, और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं रहा होगा? तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इनसे भाई, और आज मैंने जेल से छूटते ही कहा, और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं, जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे, और लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। और मैं मुझे अदालत से अपने केस के विषय में बोलने से मना किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के केस में बोलने से कोई रोक नहीं है। सोमनाथ जी आप वकील हैं भाई, आतिशी जी बता दीजिएगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं, दीपक भाई भी वकील हैं,
मना नहीं किया है, आज बेल में बिल्कुल मना नहीं किया, नहीं किया। तो मैं इस कोर्ट के इस आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा, अपने केस से संबंधित कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बोलना चाहिए, बोलूंगा, बोलो, अपने केस के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। सौरभ भाई कह रहे हैं बोलने भी नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 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 केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के केस के बारे में बोलूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे नेता 100% ईमानदार हैं, और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। वो बाहर आएंगे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स जिसने अपने बेबाक तर्कों से अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया, अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल कुछ मैं अस्पताल में था, ऊल जलूल खबर चल रही थी, ऊल जलूल खबर, एक बात याद रखना, इस शरीर के एक एक अंग में निष्ठा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, और पार्टी के लिए जीने और मरने का जज्बा है। इसलिए किसी के भी मन में किसी के प्रकार की शंका और आशंका हो तो इसी वक्त उसको निकाल के कूड़ेदान में डाल देना। हम लोग झाड़ू वाले हैं और ये जो कीचड़ फैलाए हुए हैं भाजपा ही, इनकी गंदगी को हम लोग साफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत किताबें पढ़ी जेल के अंदर, बहुत समय मिला किताबें पढ़ने का। शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके भाई उदास थे, एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा, उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंह को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के अंत में लिखा, जफा का मतलब होता है अत्याचार। उन्होंने अपने भाई को लिखा, उन्हें यह फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है, उन्हें यह फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और हमने तो कहा था, प्रधानमंत्री जी हम आपकी यातना के पैमाने को चेक करना चाहते हैं। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके। आदमी न पी सके।
मालिको मालिको मजूर के नौकरों हुजूर के फर्क को मिटाएंगे समानता को लाएंगे। रुके न जो रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो हम वो इंकलाब है जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो झुके न जो मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का हिंदू मुसलमान का हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का इंसान से इंसान इंसान से इंसान का। जाति के धर्म के भाषा और वेश के द्वंद को मिटाएंगे समानता को लाएंगे। रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो हम वो इनकलाब है जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो झुके न जो रुके न जो झुके न जो भारत माता की इंकलाब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों सभी लोग तैयारी करिए 7 अप्रैल को जंतर मंतर में सत्याग्रह की तैयारी। अब लड़ाई में संजय सिंह भी हमारे साथ हैं सभी 7 अप्रैल को पहुंचेंगे जंतर मंतर। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.